एस्टिमेट कम हुआ है, 1.5 लाख रुपए एस्टिमेट कम। तो गाइस ये वाला फाइबर पार्ट और ये देख लो, माइंड ब्लोइंग 98,673। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय अनदर वीडियो। सो कैसे आप लोग, आई होप कि सभी अच्छे हो। एंड गाइस आज निकल रहे हैं BMW वर्कशॉप की तरफ। सो अपने बेब को लेकर जा रहे हैं क्योंकि बेब का हालत आप लोगों ने तो देखा था, और जो भाई लोग नहीं देखे हो सो आज बता देंगे। तो एक बार तो क्रैश हुआ था सो उसके लिए मन भी खराब था, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो जो अचीवमेंट के लिए मतलब जो चीज़ करने गए थे वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया था, वही मेरे लिए बहुत बात है। चलो बाइक तो क्रैश हुआ, ठीक भी हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो इस ट्रिप में बहुत सारे इमोशंस जुड़े थे, बहुत सारे, तो क्या बताए, बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। तो गाइस अभी तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं भाई, तो धूप बहुत है एज यूजुअली, कोलकाता में गर्मी बहुत ही होता है, जो लोग कोलकाता में रहते हो वो लोग तो जानते हो, और जो लोग कोलकाता का गर्मी महसूस नहीं किए हो सो भाई कभी महसूस भी मत करना। सो गाइस वर्कशॉप में जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका क्या क्या काम होगा, कौन सा पार्ट्स रिप्लेस होगा। ओके सो चलो गाइस फटाफट निकलते हैं और आपसे मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। चलो गाइस इसको थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, इस कितना धूल जम गया है भाई बाइक में, क्या हालत हो गया मेरे बेब का। सो गाइस निकल गए अपने फ्लैट से, और आज देखो ग्लव्स नहीं पहने हैं क्योंकि ग्लव्स लाना भूल गया था मैं घर से, एंड एक्स्ट्रा ग्लव्स मेरे फ्लैट में नहीं था, सो एक खरीदेंगे, एक रखना चाहिए भाई। ओए होए होए ख्याल नहीं किया। सो गाइस ये देखो सर्विस टाइम हो गया, सर्विस का सिग्नल दिखा रहा है, एक्चुअली 10,000 के बाद 20,000 में सर्विस का सिग्नल दिखाएगा ही। तो मैं जब ट्रिप कंप्लीट करके आ रहा था सो मालदा पहुँचने से जस्ट 30 किलोमीटर्स पहले 20,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया था इसीलिए। और गाइस वैसे मैं अगर कहीं पे जाता हूँ तो ट्रिप में जाने से पहले और ट्रिप से लौटने के बाद सर्विस तो करवाता ही हूँ, एंड दैट इज़ मैंडेटरी, करवाना चाहिए भाई। और गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे शायद, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट शायद मैं तो सिक्किम में होऊंगा क्योंकि इस बार मेरा जाने का कोई बात नहीं था। तो फिर से एक बार सिक्किम गुरु तांगमार की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार जा रहे हैं किसी अलग रीज़न से, मैं अपना सुपर स्पोर्ट्स नहीं लेके जा रहा हूँ भाई। तो राजा भैया जा रहे हैं, प्रदीप तो जा रहा है, प्रदीप तो मतलब अपना रातुल भाई, इसीलिए रातुल ने बोला कि भैया चलो, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ही सब भाई लोग हैं, अपना होम टाउन का है, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भी घूमना हो जाएगा, और इस बार बीवी को लेके जाएंगे। सो मी एंड माई वाइफ विल बी गोइंग विथ माई KTM 390 एडवेंचर। सो गाइस बात यह हुआ कि इस बार विंटर सीजन में कोई ज़्यादा लंबा राइड नहीं किए, जो राइड करे समर सीजन में, विंटर में कई बार घूमने नहीं गए भाई। एंड गाइस अभी देखो दोपहर के टाइम रास्ता तो एकदम खाली है, लेकिन स्पीड अप करने में डर लगता है क्योंकि कब ऑनलाइन चालान आ जाएगा भाई आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो गाइस स्पीडोमीटर तो लगा होता है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, कभी कभार मुझे जब जल्दी होता है तो मैं भी भगा देता हूँ, कुछ कर नहीं सकते, कांट हेल्प इट। रास्ता अगर खाली रहेगा तो भाई सुपर स्पोर्ट 60 में 50 में कंटिन्यू चलाओगे तो वो इरिटेटिंग फील होता है। अरे अंकित, तो गाइस बाईपास के नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वर्कशॉप। अरे यार क्या, ओ यार जाते जाते सिग्नल हो गया भाई, भाई धूप में सिग्नल में फंस गए, ये सबसे पैथेटिक चीज़ है गर्मी में। सोच रहा हूँ जितना जल्दी मैं वर्कशॉप पहुँच पाऊँ उतना भाई बेहतर है, बच जाऊँगा ऐसा फील हो रहा है।
सो आ गए नज़दीक भाई लोग। चलो बाईपास से यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई, कुछ दिन पहले ही तो अच्छा था। ओए बाप रे बाप, अभी वर्कशॉप में बैठे हैं सुमन भैया के साथ, एस्टीमेट बना रहे हैं और एस्टीमेट दिखाते हैं आप लोग को कितना बना। माइंड ब्लोइंग 98,673 अभी तक। सुमन भैया और कितना बढ़ेगा? और 50,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो गाइज, जैसे सुमन भैया ने बोला और 50,000 बढ़ेगा, तो मान लो 1,50,000 एस्टीमेट। तो सुमन भैया हो जाएगा ना, 1.5 महीना लग जाएगा। तो गाइज बात है कि पार्ट्स आने में 1 महीना लग जाता है या 40 दिन लग जाता है, इसलिए थोड़ा लेट होगा। तो कोई बात नहीं, अपना जेरिक्स टेनर चला लेंगे उतने दिन। हाँ, थोड़ा तो मैंने पहले वीडियो के पहले भी बोला, थोड़ा तो मन खराब है क्योंकि बाइक रिपेयर हो रहा है गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि बाइक ऊपर अपर मस्तक जिसके लिए गए थे वहाँ तक पहुँचा था। सो यही खुशी का बात है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एस्टिमेट कम हुआ है, 1.5 लाख रुपये एस्टिमेट कम। तो गाइस ये वाला फाइबर पार्ट और ये देख लो। तो ओके, चलो इसको ऐसे छोड़ के जाते हैं। तो होपफुली और 40-45 दिन बाद इसको राइड करेंगे शायद। 8:01 PM तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, छोड़ देगा। तो अपना दुबई वाला भाई डिलीवरी लेने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आज बदला मत ले लेना। बदला अरे मुंह दिखाओ, मुंह कितना पतला हो गया देखो। ये अपना होटल कुछ कुछ है, होटल कुछ कुछ भाई। हाँ फाड़ दो, Mm-hmm.
हेलमेट कहाँ है? हेलमेट पहनो। सो गाइस, कैफे से आने के बाद जहीन ने मुझे फिर से छोड़ दिया एंड पीछे बैठने का जो दर्द होता है भाई, आज मुझे महसूस हुआ। थैंक्स फॉर रियलाइजिंग, ओके। एंड जहीन भाई का ये नया रिश्ते थे अभी घर एकदम भाई भाई भाई। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे कम भाई होंगे जो भाई को नहीं पहचानते हो, बाइकर बॉय जहीन। सो भाई का ये नया रिश्ते है, कर देना, देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है बाइकर बॉय जहीन। सो गाइस, जो आज का वीडियो था, जो बाइक का डिलीवरी हुआ जो सेगमेंट पे, दैट इज द अल्टीमेट, मतलब इंडिया में नया बहुत कम बिका, ये भी तो नया ही था। एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, फील कैसा लग रहा है? सबसे ज्यादा फील क्या है ना, जो कस्टमर लेते हैं वो कस्टमर जब सेटिस्फाई होते हैं, वो जो हॉस्पिटलिटी डिमांड करते हैं उससे ज्यादा जब उसको मिलता है, ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इससे भी शांति है। एकदम एकदम आदेश भैया, सब लोग नाच रहे थे यार, वही 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 भाई, फील बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम। एंड गाइस, ये भाई का थोड़ा घर में ऐसा हो गया, तो प्रे फॉर हिम। सो भाई क्या बोले, मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो भाई ये वीडियो यही तक था, और भी बहुत सारी चीजें दिखाना है फ्यूचर में। जॉय भैया को भी विश करते और ज्यादा बाइक्स लाओ हम लोग के लिए, मतलब हमारे पास और पैसा नहीं है भाई, खत्म हो गया, ठीक है। तो भाई ये वीडियो यही तक था, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है बॉस, एंड सब्सक्राइब कर दो। वही बात है, जो भाई अभी तक मेरे वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो डू सब्सक्राइब। कमेंट करके बताना कि ये जो डिलीवरी था फुल, मतलब आप लोगों ने जो देखा माहौल था, सेलिब्रेशन था, वो कैसा लगा ज़रूर भाई कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ मेरे बेब के लिए थोड़ा प्रे करना, मतलब जल्दी जल्दी वो हो जाए काम, फिर एक जगह जाना है ट्रिप में, सो वो बाद में अपडेट्स देंगे। तो टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब लोग बाय कर दो, जय भैया बाय कर दो, टाटा, लव यू ऑल।